सभा के अंदर नमाज पढ़ने के लिए रूम आवंटित किया गया है, उस वो मामला जो है बिहार में धीरे धीरे तूल पकड़ने लगा है। बता दें कि बिहार बीजेपी कोटे से विधायक हरिभूषण ठाकुर ने एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में नहीं बिहार में भी हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पहले सुनिए हरिभूषण ठाकुर क्या कुछ कहते हैं। झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए रूम आवंटित की गई है, बिहार में क्या लगता है आप लोग मांग कर रहे हैं स्पीकर से? बिहार नहीं झारखंड में भी अगर ऐसा किया गया है ये असंवैधानिक है। संविधान के दृष्टि से देश चलता है, संविधान में सभी धर्म के लोग बराबर हैं। नमाज पढ़ने के लिए रूम देना ये तुष्टिकरण है और वोट बैंक की राजनीति है। हम मांग करते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी रूम दिया जाए और बिहार में भी हम लोग मांग करने जा रहे हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी रूम आवंटित किया जाए। बिहार में भी पहले से इस तरह की व्यवस्था थी नमाज को लेकर? शायद ऐसा है, वहाँ बिहार में भी है और हम लोग मांग कर रहे हैं विधानसभा अध्यक्ष से कि हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी रूम दिया जाए। नहीं लगता कि इस तरीके के आदेश से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा समाज में जिस तरीके से देखा जा रहा है? सांप्रदायिक सौहार्द कौन बिगाड़ रहे हैं? किसने दिया है नमाज पढ़ने के लिए रूम? तो वो करें तो ठीक, हम अगर अपने धर्म की बात करें तो गलत। ये अब नहीं चलेगा, चलेगा तो बराबरी से चलेगा। सबों के धर्म सम्माननीय है, सबके धर्म का सम्मान होना चाहिए, तुष्टिकरण और भेदभाव नहीं होना चाहिए। जेडीयू आप लोगों के साथ है बिहार में, क्या लगता है इस तरह के? जेडीयू जो अलग पार्टी है उनका अलग स्टैंड हो सकता है, हम अलग पार्टी हैं, हमारा स्टैंड ये है। आपने सुना हरिभूषण ठाकुर को बीजेपी के विधायक है जिन्होंने साफ तौर पर झारखंड सरकार के उस फैसले का विरोध भी किया है और असंवैधानिक भी बताया है और कहा है कि अगर ऐसा हुआ है तो झारखंड विधानसभा के अंदर जैसे मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दी गई है, रूम आवंटित किया गया है, तो हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त मिलनी चाहिए। हालांकि इस पर बीजेपी विधायक जो है, जो झारखंड के विधायक है, उन्होंने इस मामले को लेकर विरोध भी जताया था और कहा था कि हरि कीर्तन और हनुमान चालीसा के लिए झारखंड विधानसभा के अंदर जगह मिलनी चाहिए। अब कहीं ना कहीं मामला बिहार की राजनीति में भी इन कर गया है। लगातार बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि असंवैधानिक है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम जो है ये किया जा रहा है, ये गलत परंपरा की शुरुआत है। संवैधानिक तब होती जब सभी धर्मों को देखते हुए किया जाता है, सिर्फ मुसलमानों की वोट बैंक की राजनीति नहीं करें। अगर उन्होंने मुसलमानों के लिए किया है तो हिंदुओं के लिए भी हनुमान चालीसा पढ़ने की जगह देनी चाहिए। हरिभूषण ठाकुर बचौल है, बीजेपी के विधायक है, उन्होंने एक बड़ी मांग बिहार सरकार और विधानसभा अध्यक्ष से की है और उन्होंने कहा है कि अब बिहार में भी विधानसभा के अंदर नमाज पढ़ने की जो जगह मिला है बिहार पहले से ही है, तो अब हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने की इजाज़त और जगह मिलनी चाहिए। एक बड़ी मांग जो है बीजेपी की तरफ से किया गया है। देखते रहे हेडलाइंस बिहार। नमस्कार।